हरियाणा की जनता जनार्दन को कैलाश पुजारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की कोटि कोटि वंदना। आज जगत पुत्र रणधीर ने कैलाश के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी है, उसमें ये बताया है अग मैं और मेरा पिताजी अव्वल दर्जे के झूठे हैं। उन्होंने सबसे पहले झूठ तो ये बोला है अग ये पुजारी पुजूरी को ना ये मंदिर में आरती व्या करती तो बारे ने टाली बजावनी से, तो इसकी और इसके बाप की झूठ मैं साबित करता हूं। ये मेरे पास कोर्ट का पुजारी पने की वसीयत का मेरे नाम प्रूफ है, ये सब कोर्ट की मोहर लगी हुई है। एक तो हम 42 पीढ़ी से गद्दी नशीन बागेश्वर धाम के पीठाधीश पुजारी रहे हैं। दूसरी बात, नाबा स्टेट ने 20 एकड़ जमीन हमारे को पुजारी और गद्दी की सेवा की इनाम में मिली हुई है, जो हमने हमारे पूरे परिवार में बांट रखी है। दूसरी बात इसने कही है अक ये झूठ बोलता है, झूठा तो ये खुद जगत है और इसका बाप है। इसको यही नहीं पता जब मेरे पिताजी श्री शिव कुमार पुजारी जी का स्वर्गवास हुआ तो गांव की ग्राम सभा होके उसमें रेजुलेशन पास किया गया था और रेजुलेशन में मेरे को पुजारी नियुक्त किया गया था। इसके बाप की खुद रणधीर पहलवान की लिखत है। उस टाइम हरभज सरपंच था और वो सरपंच के रिकॉर्ड में रेजुलेशन किया हुआ रखा होगा। पहली बात तो ये खुद झूठे हैं और झूठ बोलना इनका पेशा है, और ये एक सच्चे जनसेवक पीढ़ियों से जनता की सेवा करने वाले आदमियों को ये झूठा बता रहे हैं। फिर इसने कहा अके भाई इसका 101 गज में फैक्ट्री थी, ये झूठे आदमी हैं, ये मेरी कैलाश पति पाई फैक्ट्री थी, उसमें ये नुकसान हुआ चक्रपात तूफान आके, ये सरकारी गिरदावरी बन रही है जिसमें तहसीलदार पटवारी और गांव के मुखिया मौजूद पूरी पंचायत के दस्तक हैं, और 2,95,00,000 का तो सरकारी गिरदावरी का नुकसान दिखा रखा है। इसको मैं ज़्यादा नहीं, मैं ये थोड़ा सा जनता को ये प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि ये कितने झूठे हैं। फिर इसने कहा कि इसके बिजली का छापा पड़ा था और ये चोरी करता था। मेरी फैक्ट्री का 81 का लोड था, 81 के लोड में एक साथ चलती थी, और मेरे खेत की टंकी है कुल 25 की, अगर बटन भी दबा दे फैक्ट्री चलाए तो टंकी वेल्ड हो जाए, जबकि मेरी टंकी 15 साल से फ्यूज भी नहीं उठाए थे। फैक्ट्री चली जब 2004 से 2015 तक कंटिन्यू फैक्ट्री चली है, कभी फ्यूज भी नहीं उड़ाया, और कनेक्शन न लेने का एक ही कारण था कि ये खेतों की बिजली थी, 3-4 घंटे आती थी और कट मारती थी बार बार, और पाइप बनाते समय अगर बिजली कट मार जाए तो पूरी लाइन खराब हो जाती थी। इसलिए मैंने अपना 63 KV का जनरेटर रख रखा था, और मेरा तो सब काम अपने जनरेटर से होता था। पर चलो इसकी इस झूठ का भी मैंने सबूत दे दिया है। फिर इसने कहा अगे भाई इसने मेरा बलात्कार का नाम लिया है। जगत सिंह कान खोल के सुन ले, बलात्कार बलात्कार होता है। अगर मैं अपने आड़ियों पे आ गया तो तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं सारे सबूत सबके सामने रख दूंगा। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं खानदानी हूं, और वो किसी गरीब की बेटी थी और उसकी शादी हो चुकी। मैं तो सिर्फ इसलिए इस बात की चर्चा की है, अब तेरा पिताजी इतना शातिर इतना गद्दार आदमी है, अब उसने अपने लड़के को बंधे हुए को छुटवा लिया और
हमारे तीन ब्राह्मणों के कुल की और इज्जत को बदनाम करना चाहता है और बदनाम कर रहा है, और इसने ये बात कहां से कहां पहुंचा दी, और हमने खानदानी का परिचय दिया था नहीं, उस टाइम भी तूने मेरा दरवाजा अड़क रखा था, और रामविलास के कहने से मेरे पे पांच झूठे केस करवाए थे, और पांचों में उन चार आदमियों की तेरी सजा निश्चित है। क्यों निश्चित है? अख्तर ने मेरे पर दरवाजे की झूठी रजिस्ट्री करवा रखी, और एक से मेरी मीडिया में स्टेटमेंट लिखवाई थी विकास हांसी से, अग मैं कैलाश के 56 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर गया, जबकि ट्रांजैक्शन खाते में आती है मेरे 56 पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं करी उसने, और उसने अपने एडवोकेट बसंत मलिक से मेरे को ये नोटिस दिवा रखा है, अग मैं कैलाश के 56 लाख रुपया मांगता हूं। इस नोटिस को दिए हुए 6 साल हो गए, आज तक केस क्यों नहीं डाला? केस डालता तो उसको यह पता चलता कोर्ट क्या होता है। उसने नोटिस दिवा के मेरी इज्जत इज्जत खराब करनी थी, अगर नोटिस दिया है तो केस क्यों नहीं डाला? केस डालता तो उससे ब्योरा लिया जाता, अब तू ये 56 लाख रुपए कहां से लाए? तो इसलिए उसने डरते नहीं है, दावा नहीं डाला। अच्छा, फिर तुमने कहा अब मैंने बलात्कार नहीं किया, मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, उसके गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस लड़की के ब्लेडिंग हुई, और ब्लेडिंग होके तू हॉस्पिटल में लेके गया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तेरे को ये कहा अभी ये इसकी जान जाने वाली, इसका सारा शरीर का ब्लड निकल गया, इसके परिवार के किसी भी सदस्य को बुलाओ, नहीं मैं पुलिस को बुलाता हूं। जब तने डरता ने वो परिवार वाला बुलाया, और उस लड़की का भाई ये और बता दो हरियाणा पुलिस में है, और उसने तेरे को पकड़ के बांध लिया था और तेरे को मारना चाह रहा था, तेरे फुफ्फो लागे है जिज्जो लागे से कृष्ण रिश्तेदार आयो सर, उन लड़की का बाप ने और कृष्ण रिश्तेदार ने उन छोरा का पाप पकड़ा से, अरनू कही सर तू ड्यूटी चलो जा 10 दिन में हम ब्याह जाऊंगा, 20 लाख रुपया तेरा बाप ने खड़ी चोट करके दिया था, और जब थारो राजीनामू हो थो और जब थमने उरा की भी फसल बुयोड़ी माल ने दे के पैसा इकट्ठा कराया था, मेरे कने सारा वेद मत खुलवावे और मेरे कने सुन ले, जचावे तो मैं सबूत पेश कर दूं, थारा रिश्तेदार की मेरे कने रिकॉर्डिंग से मैंने तसल्ली करी थी, नूलो बिल्कुल सही बात से कैलाश, मैंने जसराम पहलवान कने तस्दीक करी, नूलो भाई कैलाश सुन रहा था साची बात से, फिर भी मैंने शिवाना को सरपंच से उससे तसल्ली करी, उसने नुबला भाई कैलाश पक्की बात करके बताऊंगा, उसने लड़की को बाप बुलाए से और लड़की का बाप ने नू कही से अखबात बिल्कुल साची से, पर सरपंच साहब भी और राजीनामू हो गो, जय तन्ने प्रूफ लेनु से तो सारा प्रूफ दे दू, मेरे कने तैयार दरिया से हर चीज बिना प्रूफ का मैं जबान नहीं काटू, और दूसरी बात तने के कही अब पुलिस मैंने क्यों छोड़े थी, पुलिस में बात कही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गो थो, प्राइवेट हॉस्पिटल माते हैं वो छोरी का बाप पर वो थारो रिश्तेदार आके और तू बचवा दियो, फिर तने या कही आके मंत्री का कहना तुम्हारा सम्मान कांतरा वो दबगा, बिल्कुल झारखंड धनवाद कोर्ट ते थारा नो बेलेबल गैर जमानती नो वारंट आ रहा से, नो वारंट आने कोर्ट भी कुछ नहीं समझो से, और ईव जै तने प्रूफ चाहिए तो मेर कने जा का पैसा थमने अड़फिया था 25 लाख रुपया, ऊकी मेर कने रिकॉर्डिंग रही
वहां तेरा केस मैं कोर्ट में पेश करूंगा और एसपी साहब नारनौल और एसएचओ साहब कनीना कने थारा ई फिलहाल वारंट आ रहा है अरेस्ट वारंट का, और अरेस्ट होगा कोर्ट को मामलो से वो, और तने के कही अकियो झूठो से झूठा सो थम, तने के कही जीत जी का छोरा ने फैक्ट्री लगवाई थी यानी हड़प ली, जीत जी मेरी और फैक्ट्री मारी और हमने लगवाई थी, लेकिन हमने तो कई को आज तक एक दाणु भी नहीं अड़फियो से, और थारा कारनामा सुन तो जाइब, तेरा बाप ने तेरे सात बाण थी से, तेरी दो बाणा की शादी थी, तेरा बाप ने थारा हकीकी बराबरिया राम सिंह ताई नुबला भाई राम सिंह छोरियां को ब्याह आगो से रोटी पानी को बरात को सारो खर्चो रसोई को तेरो, नुबले भाई रणधीर भाई कन्यादान जिसो झू तो गु तो फालतू गाल लांगा, पर या के बात कही नुबले मन ने कह दी मैं मुर्दाई छाती पे बैठ के रोटी खास कूसू अर उठ के चाल पड़े तो, जब राम सिंह ने अपना बाप शिवनाथ ताई कही ताऊ शिवनाथ ताई, जब ताऊ शिवनाथ ने तड़के यहां ताई कही अग्र रणधीर मारा बैरी तू छोरा ने के बोलियो, छोरी जामी थी तन्ने ब्या तू भाई तो कन्यादान करया करे कन्यादान कर दियांगा, पर फिर भी वो राम सिंह ने डरता ने 3-3.5 लाख रुपया दिया, और मेरा घर बलवर का गए नू कही अबे भाई देखा पर इसो कसाई भाई नहीं देखियो, ये थमने घर की घर में गुल खिला रखा से, और सुन ले उराने तेरो बाप इतनो सातिर से रू को तू इतनो सातिर से, तेरा बाप को ताऊ चंद्रियो थो बे औलादो थो, चार छोरी छोरी थी छोरो नहीं थो, उनकी 8 किला जमीन थी, उनका मरण ते पहले सातिर दिमाग ते गोद नामू तैयार करवा के धर रखे थो, और जैसे उन्हें प्राण दिया था वो पैड लिया कर उनको गुट्ठो टिकवाए थे मरे ओडा को, और फिर उन छोरिया ने बेरो पट्ट्यो और बराबरिया ने बेरो पट्ट्यो, जब थारा वह झगड़ा चल रहा था वह थारी आवाजाही बंद हुई थी, और रिश्तेदार ने थारो फैसलो करो थो 6 किला तो यो रणधीर मार को, और 2 किला फिर उन बराबरिया ने किया ने लिया, और वह छोरी विरान हुई बिचारी उनको अखा रखो से, और थरा कारनामा बताऊं राम सिंह साहब इंस्पेक्टर का बाप राम कुमार साहब का 80 साल का के चकुआ ते पेट नू पाड़ दियो तो जरड़ जरड़े आंत दिखाई थी, कहीं कीड़ी मकोड़ी को जी डल के उस बुजुर्ग पुण्य आत्मा का प्राण बचा था, और थारी बताऊं थम जित बैठा सो उत थमने दगो और घात करियो से, और तने मारा 3 ब्राह्मणा की इज्जत तने कुछ नहीं सोची, और तने अपना की इज्जत बचा ली, और राम विलास और थम पहला मेरे पे केस करो दबावन खातरे, और फिर थारे जब कोर्ट को मीटर उल्टो चढ़ तो दिखो तो थमने यो सोदो पायो थार कने इतना भ्रष्टाचार कर पिया होगा हूं कन तो रपिया होगा, और तू षड्यंत्र रचनियो होगो अगा का को नाम ले दो मेरा दुश्मन का को, जय तने कहीं भी चीज का सबूत चाहिए मेरे कने एक एक प्रमाणित सबूत से और रही बात या जो तने गांव का मुखिया मोजी पंच सरपंचांग ने कवाई से अगी ये झूठा इल्जाम है उनने लिए ये सारा सबूत दे दूंगा, एक एक सबूत मेरे कने लिखित में भी से रिकॉर्ड में भी से, और जो उनकने कवाई से
वह गांव ने बनाया उड़ा सिर गांव का मुखिया से, उनका बारा में मैं कुछ नहीं कहूं, उनने जो कहो से वो उनको कर्म और उनको धर्म है, लेकिन गांव का है बनाया उड़ा वह से, और गांव का है बनाया उड़ा पुजारी हमसा, गांव ने बेरो राम ने बेरो हम के था और के सा, और इसने ये झूठ बोली सी, ये सब चीज निराधार झूठ से, कोई भी यो ये दिखावे से अकमरे 23 लाख रुपया ये 24 लाख रुपया ये 17 लाख कींख बेची, ये 6 भाईसा का बाप है रणधीर आरे, एक हिस्सा में रणधीर से, एक हिस्सा में राम सिंह से, 4 हिस्सा में 4 भाई और से, या बात सही से, आका भाई राह चलने से राम से राजा से कमा के खा से अर्दाऊ साधन संपन्न से, पर एक चीज से खेती कट्ठी करें से, नाज कट्ठो बेचे से, पैसा थे हिस्सा में बैठ ली है, भाई नाम नूम आका आते वे करवा दी थी, ईख आंख बेची आंख नाम करवा दी, ये पैसा ये नू हवाबाजी बनाना था, हवाबाजी ना बने, और जो सबसे बड़ी इसने झूठ बोली से आके यो पहले कुल्फी खातो अंडे से, ये चीकना चीकना कपड़ा पर ऐसे यो बसा मंड ऐसे आकन अब अगमा बाणा तो भाड़ो ना नहीं, गांव राम इलाको गवा से 35 साल से लगातार मैंने जब से आपा संभाला है, मेरे पास हर टाइम की फॉर्चूनर गाड़ी है, मैंने आज तक बस मैं पैर नहीं टेको सर, मुँह सो बजानू पड़ जा रानू पड़ जा, और तेरा बाप ने मेरी गाड़ी में बैठ बैठ के सिट्टा में झील घेर दिया, और तन्ने फॉर्चूनर को इतना शौक तो तू मेरी ड्राइवरी कराया कर तो, और तू मेरे के इल्जाम लगाओ से, अकि ये उरे तो यो पैर ले से ये भगमा लगता कोर्ट में जा दे तो, और ऊ यो ये चीकना पर है, मैं आश औलाद वाला आदमी हूं, मैं मेरे इष्ट देव की कसम खाता हूं, मेरा गांव राम सब गवाह है, मैंने जिस दिन मीडिया में कसम खा के ये भगमा धारण किया था वो उस दिन से लेके आज तक एज इट इज मैं भगमा बाणे में ही रहता हूं, और तू के कैसे है आके कैलाश पुजारी को फोन आवे तो 1500 रुपया, खानदानी रईस सतपीढ़िया रईस, और तेरा बाप ने तो मेरा बाप कने शरण लई थी आके, और थारी हालत के थी सारा गांव ने बेरोजगार परीब कह के कवाओ सो, थम मारे लंबड़दारा के काशन मांझ के गुजारो कराया करता, तने इब सारी बात वेरो को ना नहीं नहीं मुसल्ली अल्लाह अल्लाह पुकारे से, तू कैसा पुरुष बने से, तू के कैसे अग्राम विलास साफ छवि को 5 बार को MLA 2 बार को मंत्री कानी ना बेरो, और कानी ना बेरो कितनो भ्रष्टाचारी से, वो जितनो लंबो से उनका दौर नाल से उतनी लंबी, एक नाज खान की और एक भ्रष्टाचार को पैसा खान की, तने के बेरो संग्रीला होटल दिल्ली में पार्टी का मौजूद मुखिया ने आगो भ्रष्टाचार को कांड पकड़ो थो, आका दोनों पद खोसा था मंत्रालय, और आनी मार्कंडेश्वर कंपनी का मालिका कने 1,83,00,000 रुपया ठग रखा जी, वो अखबार में भी आई थी, आका बेटा की रिश्वत मांगता की रिकॉर्डिंग रही मेरे कने, आका बाप की रिकॉर्डिंग रही, और पैसा की लिखतम की कागज रहे हो, आका छोरा पे FIR हुई थी वह मेरे कर कॉपी रही, अखबार में लिखड़ी वह कॉपी रही, आनी
मीडिया पे उल्टो केस करो थो, वहां को पी रही फिर आनी माफी मांगी, वहां मेरे कने रिकॉर्डिंग रही, यो भी भ्रष्टाचारी को कानी ना बेरो। कैलाश का 22 साल में 22 करोड़ रुपया मैं गांव गांव जाकर यात्रा निकाल के मैंने बता दी, और मेरी फैक्ट्री 6-6 करोड़ रुपया कमाया करती साल का, दुनिया ने बेरो कोन्या यो मांग मांग लिया कर तो, तू आगे झूठी उमरा लेगो, तू आका झूठा दब्बा दब्बे गो, आको छोरो तने बेरो से। राव साहब इंद्रजीत ने भी कही थी कि हमने बगला मुखिया भी करना पड़े से, यानी आ शाम गुवाहाटी में बगला मुखिया करे से, और काम है क्या देवी का तांत्रिक नाते हैं यो तंत्र क्रिया करवाव से, आकी उनर कत्या को भी बेरो से मने। और जो गांव का मुखिया मोजी जाने कही से, वह तो मुखिया मोजी जाने क्यों कही से, भाई ठीक से भाई सरपंच साहब बैठा था, सरपंच साहब का वोटर ने दिया से, और भाई कोरम में से, और भाई के बरो भाई के सोच के कही से, पंच परमेश्वर ने कही से, तो मैं उनकी बात को कोई किलो शिकवो नहीं मानू, पर वह भी गांव का ही बनाए उड़ा था, हम भी गांव का ही पुजारी था, गुहांड का था, पूरा हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर का पुजारी गद्दी नशीन पीठाधीश्वर था, 42 फीट दी थे, तो क्या हमने आरती वाहती टाली बजावनी, अरे भगवान का दरबार में तो टाली बजावन को भी मौको मिल जा, वो भी बढ़िया से, थारी दाल छलिया कपटी तो को ना थम जय कने बैठा ऊकी जड़ काटी से, और तन बामना की इज्जत इज्जत नहीं लगी, भाई वार पूरा गाम राम की बेटी से बात को न मारी भी से है, और ये चीज दबिया करे, अरण चीजिया में गलती बालक को जया करें वो दब जया करें, और तू राम बिलास चश होगा, और फिर थारी कोई नहीं कहो, थमने थारी कह दे तो इतनो तरारो आवे, जैसा करोगा वैसा काटोगा, और तूने जो भी ये स्टेटमेंट दी है ये सब तेरी झूठी है, तू पुलिस में चल, तू पंचायत में चल, जहां भी कहेगा मेरे पास सब प्रमाण प्रूफ है, और मैं खानदानी हूं अब भी कह रहा हूं, मैं हूं बेटी को घर बस को उनको नाम नहीं लेना चाहूं, और उनको वो नहीं कहना चाहूं, पर मैं तो तेरा बाप ने बताई से, जय को खुद को घर शिष्टा को दूसरा का डरो नहीं मानू थी, चलो ठीक है मेरो लड़का ने लड़की ने भी कह रखी से, अग भाई चाचा मोहित को मेरे साथ कोई गलत चीज को मत बल नहीं, लड़की का बाप ने भी कह रखी से, अग भाई ना कदे मारे मोहित ने मारे साथ गलत करो, और ना और किमी, और भाई जो किमी होगो वो भाई इन कोर्ट बताओ, ना लड़का वाला ने मारता इन कही से, अग भाई कैलाश मोहित की गलती उनने भी नो ही कही से, अग भाई कैलाश को बेमत मतलब क्यों फंसा रखे उसे, पूरो गांव राम नु कैसे भाई कैलाश का कोई गलत का राम विलास नारायण धीर ने यो नाम लिवाए से यो गलत लिवा, अरे मैं तो आज घर ते बार ना लिखड़ो सू, मैं तो आसन पर तो नहीं उठो सू, गांव राम ने बताई से कैलाश ने षड्यंत्र रचे उसे, यानी अपनी इज्जत तो प्यारी लागी, और ब्राह्मणा की इज्जत ने यो इज्जत है ना समझे, यो बेकसूरा ने बैठ दे, अरे कहीं का राजीनामा हो जा, कहीं का घर बस जा, बैर ना पड़े बालक गलती कर भी दे से, वो दोनों थोक सोच समझ गए भाई कंप्रोमाइज भी हो जा, और भाई जैन गलती करी से वो चाहे मेरो और चाहे और को दोषी से उन्हें दंड मिलना चाहिए, मैं मेरा को हिमाती को न्या, परंतु मेरा तो दोनों थोक नू करे, अभी कैलाश को छोड़ो निर्दोष गलत काम में को न्या, ना क्षेत्र में कोई अवेली उवेली को नाम लागे उसे, वो भाई ये अन्न है कोई प्रेशर दे के
और कोई बयान पलटू आया था ना, लड़की ने तो बयान दे रखा था अब मैं मेरी मर्जी तो गई थी शादी करना चाहूं थी, लेकिन मैं ईब तो तने यह ही कहूँ छू अगर ये तने जितनु ढोंग रचो से और तू नो चाहो से अगर मेरी झूठी छवि बच जा और मैं जन की साची से उन्हें खराब कर दू, तू कई बजनम लेगो ने तो भी तू सोच भी ना सके करनू तो बहुत दूर की बात से, गांव से गुआंड से समाज से सरकार से सब किमी से। और आगे मैं तो चाहूँ छू भगवान चाहो ये दोनों थोक शुभ बस बसे अरण को राजीनामा हो जा है, और नहीं आगे कोर्ट में दूध को दूध और पानी को पानी हो जा वो, और दोषी से उन दंड मिलना चाहिए, मेरे से तो मेरा नहीं मिलना चाहिए, और निर्दोष है तो कोर्ट बैठो प्रशासन पुलिस बैठी। और तू क्या कैसे अग भाई पुलिस प्रशासन के बावड़ों से मारा गया था नाम ले लो, अरे पुलिस प्रशासन करने चला जाओ तो तुमने बैठा के थारा डंडा पाड़े, तुमने तो उरे अट्टा गट्टी करी से और मेरा को नाम लियो आयो से। ओ भाइयो आज मैं इतनी कहनी चाहूं छू ये हर तरह से भ्रष्ट से बिल्कुल गलत आदमी से झूठा आदमी से अणके जे कोई शक हो तो एक के बार उरे प्रूफ कर लो, कनी ने थाना में जावा सोचो साहब कने अणका गैर जमानती वारंट आ रहा है, वह बेटी का कारण मैं थोड़ो सो बोल लू को ना आकू को घर पर शेरो से मैं खानदानी छू उजाड़नू नहीं चाहूं, अनि बिल्कुल बलात्कार करो थो यो बंद दे थो अन छुपवा के ले आया से 20 लाख रुपया दिया था दिया था दिया था, गांव का कुत्ता कुत्ता ने बेरो से मानसा की तो बात छोड़ो, और इसने मेरो दरवाजो जबरदस्ती यो फौजदारी करनी चाहो थो अक तू रामविलास तन के रुके राम पटो दे देगो अक आनी बोलया दो 5-7 के शोर करवा दिया वो सारा अनका गड़ा की हड्डी बन रहा से, जद यो अनपोषको का निभाज्यो से अखियो कई तरह उपलस हो जा मंत्री को न तू अमर पटो ले लिए और तू नू कह दिए गाम राम ने तेरी एक के करकत को बेरो से, और जय दिन गाम राम जाग गए गो और खुल्लो बोल ले गो ऊ दिन देख ली रही तेरा छोरा की बात सुन के तो आप दो गाम तो सो नहीं गो, अगर खानदानी पुजारी और खानदानी आदमी आने यू के कैसे काल तक आसन मन जा कर तो भाई आज मैं इतना ही बोलू जय।